ऐसी घटनाक्रम बदला, ये कहा जा रहा था कि आप लॉन्ग टर्म में एनडीए के साथ हैं कि नहीं है, फैसले के साथ हैं कि नहीं है, जब जगह भी नहीं मिली तो कई तरह के क्या सोचने लगे, तो आज जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उस परिप्रेक्ष्य में कोई चर्चा हुई? और पहले भी आपने तय किया था कि बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आप लड़े? देखिए, कयास लगाने वालों का अपना काम है। अब उस एजेंडा पर कोई पार्टी बैठक करे कयास लगाने वाले लोगों के एजेंडा पर, तो मैं समझता हूँ कि यह समय की बर्बादी होगी। तो उसके आधार पे हमारी मीटिंग नहीं थी। हमारी पार्टी आगे किस तरह से कार्यक्रम चलावे, जो कार्यक्रम चल रहा है उसको कैसे मजबूती से हम सफल कर पाएँ, संगठन का विस्तार बिहार और बिहार से बाहर अन्य राज्यों में भी कैसे कर पाएँ, तो इन विषयों पर बात करनी थी। और उसके आधार पे बिहार में कार्यक्रम हमारा पहले से चल रहा है, शिक्षा की व्यवस्था को ठीक ठाक करने की दृष्टि से, तो उसी के संदर्भ में हम लोगों ने निर्णय लिए हैं। जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है उसको आगे और हम मजबूती से चलाएंगे। विभिन्न जिलों में, राज्य के विभिन्न जिलों में हम शिक्षा को लेकर सम्मेलन कर रहे हैं, उसको आगे मजबूती से चलाएंगे। और 15 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में, जब हमने यह कार्यक्रम तय किया था तब परिस्थिति कुछ अलग थी। तब हम बिहार में एनडीए के पार्टनर के रूप में उस समय की सरकार के जो लोग हैं नहीं थे। आज क्योंकि सरकार वहाँ भी एनडीए की हो गई है, तो अब हम कोई सरकार के खिलाफ का कार्यक्रम, तब की परिस्थिति क्योंकि हम विरोध में थे तो कर रहे थे, यह बात सही है, लेकिन अब हम उस रूप में नहीं करेंगे। हमने थोड़ा बदलाव किया है और बदलाव के आधार पे हमने तय किया है कि शिक्षा में सुधार के लिए हम अब कार्यक्रम चलाएंगे। और इसलिए हमने अपनी रैली का नाम शिक्षा सुधार महारैली के रूप में रखने का फैसला आज की बैठक में किया है, और इस रूप में हम कार्यक्रम को आगे चलाएँगे। 15 अक्टूबर को ही रैली होगी किया? हाँ, 15 अक्टूबर को ही पटना के गांधी मैदान में, अब नया नाम शिक्षा सुधार महारैली के साथ हम करेंगे। पार्टी के सिस्टम में बदलाव आया सर, कि इस कैबिनेट में पार्टी शामिल नहीं हुई है, क्या उसमें आने वाले वक्त में शामिल होगी अगर उस तक उधर पार्टी? यह विषय आज की बैठक का नहीं था। बिहार में जिस तरह शिक्षा सुधार की बात पैदाली हो रही है, तो शिक्षा सुधार में जिस तरह से रिजल्ट 50% से ज़्यादा बच्चों का खराब है, इस बारे में केंद्रीय स्तर पर कोई फैसला हो रहा है क्या? नहीं नहीं, देखिए, कैसे अच्छा हो, हम तो भारत सरकार में रहते हुए हम लोग देश भर के लिए चिंतित हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं कि कैसे क्वालिटी आवे एजुकेशन में। स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी क्योंकि ज़्यादा बिहार को फोकस करके काम करती है, तो पार्टी के हिसाब से हमारी जवाबदेही बनती है कि बिहार में हम इस विषय को कैसे आगे बढ़ा पाएँ। और उस दृष्टि से हम शिक्षा में सुधार को लेकर आंदोलन को अब थोड़ा परिवर्तित करते हुए राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांग हम रखेंगे और उस रूप में इस कार्यक्रम को चलाएंगे। महागठबंधन की सरकार थी तो आप व्यवस्था के खिलाफ थे, तो नीतियां बदल जाएगी नई सरकार के साथ, लेकिन व्यवस्था तो वही रहेगी। हर क्षेत्र में जो आक्रामक एवं नरम होंगे या? ये देखिए, हम सुझाव देने का काम तो कर ही सकते हैं, मांग रखने का काम तो अपनी सरकार से भी हम कर सकते हैं। और शिक्षा में यदि सुधार करना है तो कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे सरकार को। कौन कौन से निर्णय हो सकते हैं, उसके बारे में हमारी पार्टी क्या सोचती है, उससे संबंधित मांग तो हम बिहार की सरकार या भारत की सरकार से कर ही सकते हैं, उसी रूप में हम करेंगे। कहा जा रहा है कि राजनीति में एक नई प्रजाति का गिरगिट हो, शोध का विषय यादव कह रहे हैं बिहार की सरकार बनने के बाद सत्ता की लालची और पलटू राम अब उतने दिनों का उनका अनुभव है, क्या क्या सीखे हैं उतने दिनों में, हम लोग तो उतना अनुभव हम लोगों का नहीं है, इसलिए हम उस पर क्या टिप्पणी करें। लालू जी कह रहे हैं कि हमने उनको नेता बनाया, नीतीश जी कह रहे हैं उनको नेता हमने बनाया, आप ही उनके दोनों के लंबे समय से सहयोगी रहे, तो नेता कौन बनाया उसको ये थोड़ा बता दें। नहीं, हम लोग तो जिस समय राजनीति में ककहरा सीख रहे थे उसके पहले से ही लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, तो किसको किसने बनाया मुझको नहीं मालूम। कह रहे हैं लालू जी कि हमारे बेटे भी डर गए नीतीश कुमार, वाकई नेता के रूप में उभर रहे थे और या इस हालात में जैसे ऐसी घटना कर रहे हैं तेजस्वी नेता बन गए? देखिए, अब आज का एजेंडा या नहीं है, एजेंडा हमारा है कि कैसे विकास का काम हो, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य ठीक हो, तो इस विषय पर जब हम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वो सब बात पुरानी पार्टी के नाम पर
जहाँ नीतीश कैबिनेट ने नकारा है, कम से कम अलाइज होने के नाते आप लोगों ने जो रखा था उसको तो कंसीडर करना था, इसको लेकर के आज नहीं। किसने कहा कि नकारा है या स्वीकारा है, तो आप बोल रहे हैं। आप लोग फिर कहेंगे कि हमारे आप लोग अलाइज वहाँ कैबिनेट में शामिल होंगे नीतीश कैबिनेट। या हम क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, हम और नीतीश जी क्या बात करेंगे, पहले हम आपको बताकर बात करेंगे। शिक्षा को लेकर के कौन कौन से बिंदु पे आप बिहार में काम करेंगे कि शिक्षा को लेकर, क्योंकि ये भी कहा जाता रहा कि जो बेसिक शिक्षा है वो बिल्कुल लचर हो गई, जब वो शिक्षा मित्र परमानेंट उस सिस्टम में डाल दिए, इसको लेकर बहुत ऐतराज है। और जो बेसिक शिक्षा जिसकी चर्चा होती थी बिहार में कि वो काफ़ी मजबूत होती थी, अब कमजोर होती है। देखिए उसी के लिए हम लोगों ने 25 सूत्री मांग पहले से रखी है, और फिर आगे भी हम राज्य की सरकार के समक्ष इन मांगों को रखेंगे, और हमारी कोशिश होगी। और हमको इस बात की खुशी भी है कि शायद पहले दिक्कत होती लेकिन अब अपनी सरकार है तो जल्दी हम इन मांगों को पूरा कराने में सफल होंगे, क्योंकि अपनी सरकार है।